नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइस यार, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे पिछले 4 दिनों से यही सेम वीडियो बनाने के लिए आप लोग का मैसेज आ रहा है कि ट्यू के छात्र जो हैं कि रिजल्ट तो आ गया है थर्ड ईयर फाइनल ईयर का, मगर उनके रिजल्ट में कई स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा कॉपी बहुत ही गलत चेक हुआ है। कितनों का कहना है सर हमारा मनमानी बैक लग गया, यानी कि हमने अच्छा लिखा था, पास हो सकते थे मगर बैक लग गया है, तो क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, चैलेंज इवेल्युएशन और COP का फॉर्म आपका किस दिन से भरा जाएगा, क्या अपडेट है, क्या मार्क्स बढ़ते हैं, क्या आपको करना चाहिए, स्क्रूटनी करना चाहिए, चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या है पूरा प्रोसीजर A to Z, आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखने, सीखने और समझने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम की कोई भी अपडेट को ऑथेंटिक तरीके से जानने के लिए। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका रिजल्ट में बैक आया है और बैक जो है वो 5 नंबर से कम है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो एग्ज़ाम में कॉपी लिखी थी उसमें आप पास हो सकते थे, इवन किसी भी प्रकार से कॉपी चेकिंग हो, गाइज इस केस में आपको चैलेंज ई वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसका 2500 रुपये चार्ज होता है। हालांकि पिछली बार से KTU ने एक बदलाव किया, जिसमें 300 रुपये दे के आप पहले अपनी कॉपी चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप अप्लाई करके अपना रिजल्ट जो है उसको चेंज आउट करवा सकते हो, यानी कि मार्क्स को फिर से कॉपियों को फिर से चेकआउट करवा सकते हो। ये हो गई चैलेंज की बातें। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर स्क्रूटनी क्या है। देखिए, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आप चले गए हैं, होप आप लोग जानते होंगे स्क्रूटनी के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रूटनी में आपके सिर्फ मार्क्स जोड़े जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस पे प्रॉपर नंबरिंग किया हुआ है नहीं किया गया है, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है और चेकआउट किया जाता है। आपको बता दूँ कि देखिए, इस बार मैक्सिमम छात्रों का ये शिकायत है कि सर हमारा कॉपी गलत चेक हुआ है, किसी का कहना है मनमानी बैक है। तो देखिए, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अगर हम बात करें या फिर COP के फॉर्म के रिगार्डिंग, तो COP का फॉर्म आप अगले जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा ना, उस दौरान आप COP का फॉर्म भर सकते हो। और हम बात करें चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए, तो गाइस इसके लिए विद इन 20 डेज़, यानी कि 15 से 20 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक्टिव सर्कुलर जारी कर देता है कि भाई जिनको चैलेंज इवेल्युएशन या फिर कॉपी चेकिंग में किसी भी प्रकार का शिकायत करना है, कंप्लेन दर्ज कराना है, ऐसे छात्र जो हैं वो एक्शन ले सकते हैं। और गाइस इसका जो चार्ज है वो 2500 रुपये है, समझ गए। तो 15 से 20 दिनों के अंदर आ सकता है। और ऐसे में आप एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग आपको परेशान होने की खास ज़रूरत नहीं है। AKTU वैसे भी बदनाम यूनिवर्सिटी है कॉपी चेकिंग के मामले में और रिजल्ट के मामले में। आप लोगों का रिजल्ट कैसा आया, आपने एग्ज़ाम में जितना लिखा था ना अचीव हुआ, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर सी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाया गया है। इस साल डेली लर्न ने ISU स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है, जिसमें पार्ट लेके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप रजिस्टर कर लें और आप भी पाइए 50 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे ग्रामीण शहरों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया। यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश माध्यम से डेली लर्न पे आप पढ़ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ होगा, क्विज, टेस्ट सीरीज। तो आप तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और आप भी इनाम जीतिए। COP का देखिए, जब इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उस दौरान आप COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी नहीं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो अपने एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करें। और दूसरी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़रूरी जो है वो ये है कि अपना कमेंट करके बताइएगा रिजल्ट आपका कैसा आया है। बाकी का कोई अगर किस टॉपिक पे AKTU के वीडियो चाहते हो कहोगे तो बता दूंगा। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के रिगार्डिंग पॉसिबल हो सका तो नेक्स्ट दिन जो है वो मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि AKTU हो या फिर UP स्कॉलरशिप हो या फिर UP फ्री टैबलेट स्मार्टफोन, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक न्यूज़ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने पहले से ऐसा कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश यूटेक। जय हिंद, वंदे मातरम।